नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से, जहां पर रायपुर के लिंगमपल्ली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। तेलंगाना में प्रवासी मजदूर विद्यार्थी समेत तमाम लोग फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि विद्यार्थी समेत तमाम लोग फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, बालोदा बाजार के रहने वाले है ये सभी, जो रायपुर पहुंचने के बाद बस के माध्यम से इनको इनके गृहग्राम भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पाठक लाइव जुड़ गई हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत, सुप्रिया, क्या ताजा स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? कितने जो मजदूर हैं, कितने जो लोग हैं जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम अब तक किए जा चुके हैं? आज जो मजदूर पहुंचे हैं, हम स्टेशन पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लिंगमपल्ली एक्सप्रेस स्टेशन ट्रेन है वो पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मजदूर हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके दूरियां बना करके यहाँ पर आ रहे हैं। जो जवान है वो व्यवस्था को पूरी तरह से बनाने में सहयोग भी कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो ट्रेन है वो पहुंची है मजदूरों को लेकर, और उन्हें देखिए आप बराबर से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाकर वो चल रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर लगातार स्पीकर भी जो है वो लगी हुई है, लगातार यहाँ पर लाइन से जो मजदूर हैं वो चलकर आ रहे हैं। और काफी संख्या में जो मजदूर है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बराबर यहाँ पर बनी हुई है, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल सुप्रिया, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो सोशल दूरी है उसको मेंटेन करने की बकायदा पूरी कोशिश की जा रही है। सबने बकायदा मास्क भी लगाए हुए हैं। क्या स्क्रीनिंग की सुविधा स्टेशन पर मौजूद है? क्योंकि इसके बाद इनको इनके गृहग्राम भेजा जाएगा, गृह जिले भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ हम स्टेशन के पास होंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में स्पीकर लगाए गए हैं और उन्हीं स्पीकर के ऊपर जो है मजदूरों को खड़ा किया गया है, और इसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से पहले तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाएगा, उसके बाद उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइजर मशीन के माध्यम से उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद वो एक एक करके स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा उनका एक एक करके। और आपको बताना चाहेंगे कि रैपिड किट के माध्यम से उनका परीक्षण किया जाएगा, और इसमें जो रैपिड किट के माध्यम से हालांकि जांच जो है वो जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से अगर जिसके रिपोर्ट निगेटिव आते हैं तो उन्हें उनके गृहग्राम भेजा जाएगा। उनके लिए खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यदि कोई संदिग्ध या फिर पॉजिटिव मरीज मिलता है तो सीधा उन्हें एम्स के लिए रवाना किया जाएगा। ठीक है, कितने मजदूरों की तादाद बताई जाती है? ये कितने लोग हैं जो लिंगमपल्ली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे हुए हैं रायपुर, और कितने की तादाद बताई जाती है? यहाँ पर जो मजदूरों की तादाद है वो 81 की तादाद जो है वो बताई जा रही है, और साथ ही 48 मजदूर जो है वो रायपुर के हैं। साथ ही इस तरह से काफी जो मजदूर हैं वो हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ट्रेन के माध्यम से 86 जो मजदूरों की तादाद है वो बताई गई है। हालांकि इस बात की जानकारी थोड़ी देर से मिल जाएगी कि कितने मजदूर यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो कितने यहाँ पर पहुंचे हैं, ये जानकारी अभी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम मजदूर हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लगातार ये सब मास्क लगाए हुए हैं, तो इन्हें भी इस तरह से जागरूक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन का नजारा है जहाँ पर मजदूर है वो बकायदा यहाँ पर पुलिस के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि वो पुलिस है आप धीरे धीरे इधर से मतलब आप धीरे धीरे सावधानी का पालन ये जो आप आंकड़ा दे रही हैं 86 मजदूरों का, हो सकता है ये सिर्फ रायपुर जिले के ही ये तमाम 86 मजदूरों, क्योंकि रायपुर, धमतरी और साथ ही कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पे भी इनके जो जिले हैं जहां पे ये तमाम मजदूर जाएंगे अपने अपने गृह जिलों तक जाएंगे। चार जिले ऐसे बताए जाते हैं जहां की ये श्रमिक हैं।
तो कुल मिला के इनकी क्या तादाद है और किस तरह से इनका जो डेटा है, जो ब्योरा है, वो रखा जाएगा कि अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो किस तरह से उनका उनसे संपर्क किया जाएगा या मोबाइल फोन के जरिए ट्रेस किया जाएगा, तमाम चीजें, क्या कुछ और जानकारी? वहाँ पर जो है इनके क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाया गया है और उनके माध्यम से फिर इनकी निगरानी भी रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार इन पर नजर बनाए रखेगी और साथ ही यहाँ पर जो मजदूर है उनको ले लेकर लाउड स्पीकर का भी ऐलान किया गया है कि यहाँ पर सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस तरीके से जो ये नजारा है वो रायपुर रेलवे स्टेशन का है। और आपको बता दें कि आपने जांच की बात करिए तो जांच में स्वास्थ्य क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। सुप्रिया, मेरा सवाल ये है कि चार जिलों के ये पूरे मजदूर बताए जा रहे हैं जो तेलंगाना से लौटे हुए हैं, कुल मिला के कितनी तादाद है, क्या अधिकारी इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं और कितने क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं इनके गृह जिलों में जहां पे इनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद इन सभी को अपने अपने घरों के लिए फिर रवाना किया जाएगा? जी, इनके लिए रेलवे स्टेशन से बाहर जो है बस की व्यवस्था की गई है। यदि इनका टेस्ट निगेटिव आता है तो इन्हें फिर भी उसके बाद भी इनके गृह जिले भेजा जाएगा और वहाँ पर इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। और रही बात क्वारंटाइन सेंटर की, तो क्वारंटाइन सेंटर जो है वो 4 से 5 क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं जिसमें इन लोगों को रखा जाएगा। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मजदूरों की तादाद है वो लगभग 86 की संख्या के आसपास है। तो इस तरह के जो मजदूर हैं वो उनकी संख्या बताई जा रही है। और साथ ही अधिकारियों से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, अधिकारियों से अगर संपर्क हो पाएगा तो हम आपको जो पूरी जानकारी है वो बता पाएंगे। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि रायपुर, धर्मतरी और महासमुंद ये वो तमाम गरियाबंद ये वो चार जिले हैं जहाँ से जहाँ जहाँ पर ये तमाम मजदूर पहुँचेंगे। और इसके अलावा और कौन सी, आपसे ये भी संक्षेप में जानकारी चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन सी ट्रेन है जो दूसरे जो राज्य है वहाँ से आने वाली है? बिल्कुल, अभी छत्तीसगढ़ में लगातार जो ट्रेन के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो लगातार आ रही है और आज जो है तेलंगाना से ट्रेन आई है, इसके बाद भी लगातार ट्रेन के आने का सिलसिला शुरू होगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल, अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।